हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केशव शर्मा और आप मेरे साथ हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे समथिंग न्यू, दैट इज द लीजेंडरी वुमेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमेन और उनकी कंट्रीब्यूशन। ओके, सो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री से डिस्कस करेंगे, ठीक है? प्रेजेंट डे में बात नहीं करेंगे हम। ओके, सो इट इज प्रोबेबली, एंड देन इफ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री, देन प्रोबेबली इट इज बिफोर 1947। तो 1947 फ्रॉम द टाइम हिस्टोरिकल टाइम पीरियड टू 1947 और आफ्टरवर्ड। ओके ओके, सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इट इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, कल्चर के पार्ट है ये। आपका पर्सनैलिटी में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका वुमेन की अगर ऐसे लिखना है उस पर भी आ सकता है, इंटरव्यू पे भी आ सकता है और जनरल जीके में भी आ सकता है। ओके, सो कल्चर का पार्ट है, पर्सनालिटी का पार्ट है। ओके, सो एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट नो अबाउट द स्टेट, स्टेट के बारे में, सॉरी यूनियन टेरिटरी के बारे में या स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग विज अ विज टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन। सो वुमेन के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन जो है, दैट इज लाल देद। लाल देद को लल्लेश्वरी भी बोलते हैं, लल्लेश्वरी। ओके, आल्सो नोन एज लल्लेश्वरी इन मैनी एरियाज। ओके, सो 14th सेंचुरी की एक पोइट थी, एक सूफी सूफी मिस्टिक थी, यू कैन से दैट। एंड शी वॉज ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स, दैट इज मदर लल्ला, लल्ला आरिफा, लाल दीदी, लल्ला योगेश्वरी और लाल श्री। ओके, शी वॉज अ मिस्टिक ऑफ कश्मीर शैविज्म, कश्मीर शैविज्म से बिलोंग करती थी। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट यू मीन बाय शैविज्म और कश्मीरी शैविज्म क्या है। एंड कश्मीरी शैविज्म शी इट इज आल्सो नोन एज त्रिका, त्रिका भी बोलते हैं कश्मीरी शैविज्म को। त्रिका शब्द जो है दैट इज 3 से डिवाइड हुआ है। ओके, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, शी वॉज अ क्रिएटर स्टाइल ऑफ अ मिस्टिक पोइट्री नोन एज वात्सुन। सो वात्सुन एक नई टाइप की पोइट्री जो है लाल देद ने और लल्लेश्वरी ने स्टार्ट की, जिसको बोलते हैं वात्सुन। वात्सुन जो है, इट इज, यू कैन से दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, इट इज डिराइव फ्रॉम, यू कैन से दैट वचन, वचन संस्कृत शब्द वचन से लिया हुआ है वात्सुन। वचन मीन्स दैट इज स्पीच, वचन मीन्स दैट इज शब्द, और यू कैन से दैट वाक, वाक भी बोलते हैं उसको। सो जो लल्लेश्वरी की जो पोइट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, वत्सुन। जैसे कबीर को क्या बोलते हैं, कबीर की जो जो राइटिंग है उसको हम बोलते हैं दोहा। ओके, सो मीराबाई की जो है अलग टाइप की पोइट्री है। सो लाइक वाइज लल्लेश्वरी की जो पोइट्री है उसको हम बोलते हैं वत्सुन, वत्सुन और वाक भी बोलते हैं। ओके, सो अ टोटल नंबर ऑफ 285 पोइम्स आर नोन एज वर्क्स एट्रीब्यूटेड टू लाल देद आर लल्लेश्वरी। अ सूफी सेंट, वेरी प्रोमिनेंट सूफी सेंट, दैट इज शेख नूरुद्दीन नूरानी, आल्सो नोन एज नंद ऋषि, वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर। और कुछ बोलते हैं कि जो शेख नूरुद्दीन नूरानी जो है और लल्लेश्वरी जो है, दे आर कनेक्टेड, ऐसा बोला जाता है। लाल दे और लल्लेश्वरी ने शेख नूरुद्दीन नूरानी को पाला था। ओके ओके, ब्रेस्ट फीड किया था उसको। ओके, सो व्हाट अबाउट कश्मीर शैविज्म? कश्मीर शैविज्म और कश्मीर शैविज्म ट्रेडिशन इज आल्सो नोन एज त्रिका, इसको हम त्रिका भी बोलते हैं, विच मीन्स थ्री फोल्ड। ओके, बिकॉज इट एनालाइजेस थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। कश्मीर शैविज्म 3 चीजों पे जो है वो फोकस करता है, दैट इज नेचर ऑफ लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिव के बारे में बोलता है, शक्ति के बारे में बोलता है एंड नर के बारे में बोलता है। ओके, सो शिव यहाँ पे क्या है, शिव इज गॉड, शक्ति जो है दैट इज कॉन्शियसनेस। ओके, शक्ति क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, एंड नर मीन्स मैन। ओके, सो दैट इज गॉड, देन कॉन्शियसनेस, देन ह्यूमन। ओके, सो त्रिका जो है दैट इज 3 फोल्ड है। त्रिका मीन्स, त्रिका टीचिज दैट शिव, शक्ति एंड नर जो है आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम वन, दे आर वन, एक चीज जो है। मतलब सिर्फ ये यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, मतलब ये नॉन ड्यूलिज्म की बात करता है कि कोई भी जो है ड्यूलिटी नहीं है। ओके, नथिंग इज ड्यूल, देर इज ओनली वन थिंग। ओके, नॉन ड्यूलिज्म की कश्मीर शैविज्म जो है वो बात करता है।
और कश्मीरी शेविज्म की सबसे बड़ी प्रचारक जो है वो क्या है, लाल देद है, आर लल्लेश्वरी है, ओके, लाल दीदी लल्लेश्वरी, ओके, शी वॉज नोन बाई डिफरेंट नेम्स, एंड कश्मीरी शेविज्म जो है इट डिपेंड्स ऑन तरीका, इसको हम फिर से करेंगे, ओके, सो व्हाट यू मीन बाई शेविज्म, शेविज्म जो है इट इज वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म विच रिवॉल्व्स अराउंड द वर्शिप ऑफ लॉर्डशिप, ओके, शेविज्म मीन्स वर्शिप ऑफ लॉर्डशिप. द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिव इज नोन एज शेवियाइट, शेवियाइट भी बोलते हैं. शेविज्म के बड़े सारे सब स्कूल्स हैं और सब ट्रेडिशन हैं. देर आर टू इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ शेविज्म, शेविज्म ट्रेडिशन के दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, सब स्कूल्स हैं. वन इज शेव सिद्धांत, ओके, शेव सिद्धांत एक है, और कश्मीरी शेविज्म दूसरा है, जिसको हम त्रिका भी बोलते हैं. ये जो शेव सिद्धांत है ये कहता है इंसान और गॉड जो है दोनों अलग अलग हैं, मैन एंड गॉड आर टू डिफरेंट थिंग्स, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन इट प्रीच ड्यूलिज्म, ड्यूलिज्म की बात करता है शेव सिद्धांत, ओके, ये फिलॉसफी शेव सिद्धांत की जो है ये कहाँ पे प्रीच की जाती है, साउथ इंडिया में प्रीच की जाती है, ओके, शेव सिद्धांत प्रीच ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी वेयर द अल्टीमेट एम टू अटेन इनलाइटनमेंट बाय द मीन्स ऑफ लॉर्डशिप ग्रेस और वर्शिप. प्रेजेंटली इट इज पॉपुलर इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में शुरू में किसने इसको प्रीच किया, नेयनार्स ने. एंड हु वर नेयनार्स, नेयनार्स कौन थे, नेयनार्स बेसिकली क्या है, मिडिवल टाइम पीरियड में, अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड में नेयनार्स क्या थे, एक भक्ति मूवमेंट का पार्ट थे. देवर द ग्रुप ऑफ 63 सेंट्स हु वर डिवोटेड टू लॉर्ड शिव एंड दे प्रीच्ड भक्ति इन तमिलनाडु बिटवीन 6 to 8 सेंचुरी. सो नेनार्स ने जो है शेव सिद्धांत को जो है साउथ में फिलोसफी को प्रीच किया, ओके, और कश्मीर शेविज्म क्या कहता है, ये बात करता है नॉन ड्यूलिस्टिक की, मतलब सब कुछ एक ही है, गॉड इज वन, मैन इज वन, नेचर इज वन, एवरीथिंग इज वन. सो दैट वॉज द प्रीचिंग ऑफ कश्मीर शेविज्म. और ओके, कश्मीर शेविज्म पे सबसे ज्यादा किस पे काम, किसने काम किया, अभिनव गुप्ता ने काम किया. शेव सिद्धांत में कब सबसे ज्यादा किसने काम किया, नेनार्स ने काम किया. शेविज्म क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, और सबसे ज्यादा शेविज्म पे जो है दैट इज लाल देद आर लल्लेश्वरी ने जो है वो काम किया. सो शी वॉज द फर्स्ट लीजेंडरी वुमेन ऑफ कश्मीर. ओके, नंबर टू इज हब्बा खातून. हब्बा खातून जो है अगेन अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट, वेरी प्रोमिनेंट लेडी ऑफ कश्मीर. ओके, हब्बा खातून का जो असल नाम क्या जो था, दैट वाज जून विच मींस क्रिसेंट और मून. शी वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी हब्बा खातून. ओके, शी वाज फेमस 16th सेंचुरी मिस्टिकल पोइटेस ऑफ कश्मीर. ओके, जब लिटरेचर, कश्मीरी लिटरेचर की बात करते हैं तो हब्बा खातून का भी नाम आता है. शी वॉज बॉर्न इन पंपोर. पंपोर कहाँ पे है, पुलवामा में है. पंपोर इज नोन एज द सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर. सैफरन टाउन है कश्मीर का पंपोर. ओके, शी वॉज जस्ट नॉट जस्ट अ ग्रेट पोइटेस बट ऑल्सो अ ग्रेट सिंगर. शी वॉज द वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक. यूसुफ शाह चक की बीवी थी. ऐसा बोला जाता है कि हब्बा खातून की शादी जो है पहले किसी और के साथ हुई. व्हेन यूसुफ शाह चक ने जो है इनको देखा, ही वॉज इम्प्रेस्ड. ओके, तो उनके साथ शादी कर ली गई. ओके, शी बिकम अ क्वीन ऑफ कश्मीर एंड केम टू बी नोन एज द नाइट एंगल ऑफ कश्मीर. तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, हु वॉज द नाइट एंगल ऑफ कश्मीर, दैट इज हब्बा खातून. हु वॉज नाइट एंगल ऑफ इंडिया, दैट इज सरोजनी नायडू. ये पढ़ा होगा. ओके, और जो यूसुफ शाह चक के टाइम पीरियड में ही अकबर ने कश्मीर को इन्वेड किया था. सो यूसुफ शाह चक जो है इट इज ही वाज आल्सो द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर, यूसुफ शाह चक. ओके, यूसुफ शाह चक की वाइफ कौन थी, हब्बा खातून. अली शाह चक वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी. ओके, एंड इन द ऑनर ऑफ हब्बा खातून इंडियन कोस्ट गार्ड हैज नेम्ड अ शिप दैट इज कोस्ट गार्ड शिप हब्बा खातून इन हर नेम. और एक और जो है, देर इज वन प्लेस गुरेज, गुरेज में जो है देर इज वन पीक, दैट इज एक पिरामिड टाइप की पीक है,
उस पीक का नाम भी जो है हब्बा खातून के ऑनर में रखा गया है। हब्बा खातून जो है शी वॉज अ प्रोमिनेंट, वेरी वेरी प्रोमिनेंट लेडी ऑफ कश्मीर, अनदर लीजेंडरी। ओके देन रानी दिता, इसके बारे में तो आप जानते हो, फ्रॉम 982 to 1103 शी वॉज अ डॉटर ऑफ सिम्हा राजा, दैट इज किंग ऑफ लोहा डायनेस्टी। देन शी बिकेम द क्वीन ऑफ शेम गुप्ता, शेम गुप्ता की क्वीन बनी। शी वॉज नोन एज द रथलेस एंड पावर हंग्री क्वीन ऑफ कश्मीर। तो इसके जो है बड़े अच्छे टर्म, बट शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पावरफुल लेडी। ओके वाई शी वॉज नोन एज पावर हंग्री लेडी, बिकॉज शी इवन किल्ड हर ग्रैंड सन, बिकॉज शी वॉन्टेड पावर, पावर के लिए चाहती थी। शी हर रूल रिप्रेजेंट द पीक ऑफ वुमेन पावर इन कश्मीर। कहते हैं वुमेन का पीक जो है वो रानी दिद्दा के टाइम पीरियड में आया। ओके सो इसको हम पोलिटिकल पार्ट में इसको हम डिस्कस करते हैं। शी इज ऑल्सो कंपेयर विद द कैथरीन ऑफ कश्मीर। कैथरीन शी वॉज वेरी पॉपुलर रूलर ऑफ रशिया, रशिया की बड़ी पॉपुलर रूलर थी। ओके सम हिस्टोरियन कॉल्ड हर एज अ वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर, एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वुमेन राइज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। नॉट राइज, इट इज राइज, गड़बड़ हो गया है। ओके एंड व्हाट यू नो अबाउट द अदर दिस वुमेन, आप इन वुमेन के बारे में क्या जानते हो? दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू। रानी अबाका देवी, रानी ताराबाई के बारे में क्या जानते हो? रानी रुद्रमा देवी के बारे में क्या जानते हो? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप जानते ही हो। ओके सो रानी दिद्दा, रानी अबाका देवी, रानी ताराबाई, रानी रुद्रमा देवी, रानी लक्ष्मीबाई। सो रानी दिद्दा जो है शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लीजेंडरी लेडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन कोटा रानी, कोटा रानी जो है शी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, ऑल्सो रिमेन रीजेंट आफ्टर डेथ ऑफ रिंचन। शी मैरिड टू उदयन, उदयन के साथ इसने शादी की। शी वॉज डिपोज बाय शाह मीर हु फाउंडेड द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी, शाह मीर डायनेस्टी। ओके जिसका रूलर जो है दो बड़े पॉपुलर रूलर हैं, वन इज सिकंदर अनपॉपुलर एंड अदर इज जैनुल आबदीन, ही वॉज वेरी पॉपुलर। ओके शी वॉज नोन फॉर कंट्रीब्यूशन, नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन इरीगेशन। शी कंस्ट्रक्टेड अ कैनाल दैट इज कूटकोल, कूटकोल। ओके रिंचन ओरिजिनली ही वॉज फ्रॉम लद्दाख, जो इसका हस्बैंड था ही वॉज कन्वर्टेड टू इस्लाम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुलबुल शाह, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, ऑल्सो नोन एज सुल्तान सो सदरुद्दीन शाह। सो ये तो हमने किया हुआ है कोटा रानी। सो अभी तक कौन कौन से किए हमने, हमने अभी तक किए दैट इज लाल देद, देन हब्बा खातून, देन रानी दिद्दा, देन कोटा रानी। ओके सो बेगम सुमरू, बेगम सुमरू की बड़ी ही पॉपुलर स्टोरी है। बेगम सुमरू का असल नाम था फरजाना। ओके उसके फादर जो थे ही वॉज इन मुगल कोर्ट। ओके उसके फादर की डेथ के बाद जो है जो फरजाना जो है शी बिकेम अ डांसर, डांसर बन गई। ओके कहाँ पे डांसर? चांदनी चौक दिल्ली। ओके वेन शी वॉज यू कैन से दैट टेकन बाय अ इंग्लिश सोल्जर, अ फ्रेंच सोल्जर, अ फ्रेंच जर्मन सोल्जर, एंड शी वॉज मैरिड टू हिम एंड लेटर ऑन शी बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी पावरफुल। ओके सो हर एक्चुअल नेम वॉज फरजाना, शी वॉज फ्रॉम कश्मीर। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर शी बिकेम अ डांस सिंगर। ओके द प्रिंसिपैलिटी ऑफ सरदाना, सरदाना प्रिंसिपैलिटी मेरठ में है। ओके नियर बाय मेरठ उत्तर प्रदेश, आई सपोज इट इज इन उत्तर प्रदेश। एंड अवॉर्डेड द प्रिंसिपैलिटी ऑफ सरदाना वॉज अवॉर्डेड टू वॉल्टर जॉस सुमरू। ओके ये एक आदमी को दी गई, ही वॉज अ फ्रेंच जर्मन सोल्जर हु सेव्ड मुगल शाह, मुगल शाह आलम को उसने सेव किया था। सुमरू मेड सरदाना वेरी पावरफुल, शी ही एक्वायर ब्यूटिफुल डांसिंग गर्ल फ्रॉम चांदनी चौक, फरजाना को उसने एक्वायर किया। शी हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी फ्रॉम इस्लाम, बेसिकली इस्लाम ऑफ कोर्स मुस्लिम थी, बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई। शी बिकेम अ फेवरेट वाइफ ऑफ सुमरू एंड आफ्टर हिज डेथ शी बिकेम रूलर, ओनली शी वॉज द ओनली कैथोलिक रूलर ऑफ इंडिया, रोमन कैथोलिक रूलर ऑफ इंडिया। शी कंस्ट्रक्टेड अ ब्यूटिफुल मॉस्क, अ ब्यूटिफुल चर्च ऑफ लेडी ऑफ ग्रेसिस इन सरदाना, जो रिजेंबल करता है ये, इट वॉज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का स्पेलिंग गलत है। और इस चर्च की रिजेम्बलेंस किसके साथ है? सेंट पीटर्स दैट इज बेसिलिका, वो कहाँ पे है? रोमन के साथ, रोमन चर्च के साथ इसकी सिमिलरिटी है। सो बेगम सुमरू जो है शी वॉज वेरी वेरी पावरफुल, वाई? बिकॉज सरदाना जो है, सरदाना बहुत ही रिच स्टेट बाद में बनी, और सुमरू जो है शी बिकम वेरी पॉपुलर, शी वॉज नोन फॉर हर चैरिटी।
Okay, then another woman is there, Begum Zafar Begum Zafar Ali. She was the first matriculate from Kashmir. Okay, born to Aga Sayyid Ali. He was a judicial minister of Maharaja Hari Singh. So she was the first matriculate from Kashmir. Government of India awarded Padma Shri in 1987, death 99 में हुई थी. And other amazing women in education sector, जो आज की डेट जो अभी आज की डेट में कौन कौन सी वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इन एजुकेशन में. ओके, ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं. विमला कोल, रोशनी मुखर्जी, गीता धनराजन, वासुदा पारेख, मुक्ता दागली. ओके, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ये मैंने लिखा है हिंदू में, आर्टिकल आया था वहां से किया हुआ है. ओके, प्रेजेंटली दीज वुमेन आर नोन फॉर एजुकेशन. ओके, देन अनदर वुमेन दैट इज अतीका बानो. शी वॉज एन एजुकेशनिस्ट एंड एक्टिविस्ट फ्रॉम सोपुर. शी डाइड रिसेंटली. ओके, शी एस्टैब्लिश एंड क्यूरेटेड मीरस महल, एक प्राइवेट म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट इसने इन्होंने बनाया कश्मीर में, एस्टैब्लिश किया. अतीका बानो एंड अदर वुमेन प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया, ये मैंने हिस्ट्री से लिया हुआ है. सावित्री फूले, शी कंट्रीब्यूटेड इन द एजुकेशन ऑफ वुमेन. कादम्बिनी गांगुली, चंद्रमुखी बानो, दुर्गाबाई देशमुख एंड महादेवी वर्मा. शी वॉज ऑल्सो अ राइटर एंड पोइटस, शी कंट्रीब्यूटेड इन फीमेल फ्रीडम स्ट्रगल एज वेल. ओके, देन अर्निमल. सो अर्निमल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है. शी वॉज 18th सेंचुरी लीडिंग कश्मीरी ब्राह्मण पोइटेस ऑफ लिरिसिज्म, लव एंड ऑप्टिसिज्म. ऑप्टिमिज्म, नॉट ऑप्टिसिज्म, इट इज ऑप्टिमिज्म. ओके, शी वॉज मैरिड टू अ पोइट भवानी दास, हु वॉज इन द कोर्ट ऑफ जुमना खान. ही वॉज अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर. बेसिकली कश्मीर में क्या हुआ, शाह मीर डायनेस्टी के बाद यहाँ पे आए चक रूलर, चक रूलर्स के बाद आए मुगल्स, मुगल्स के बाद आए यहाँ पे अफगान्स, अफगान्स के बाद आए यहाँ पे सिख, सिखों के बाद आया यहाँ पे डोगरा रूल. तो दिस इज वेरी टर्मोइल टाइम पीरियड में जो है अर्निमल जो है शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर. ओके, इस पे क्वेश्चन आता है. ओके, देन म्यूरल जॉनसन. शी वॉज अ क्रिश्चियन मिशनरी फ्रॉम लंडन. ओके, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया कश्मीर में. शी वॉज नोन फॉर हर सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन ऑफ वुमेन इन कश्मीर. आज की डेट में देर इज वन वेरी पॉपुलर स्कूल इन कश्मीर, दैट इज मेलिसन गर्ल्स स्कूल, इट इज नेम्ड आफ्टर हर. ओके, एंड अदर पॉपुलर लेडी दैट इज मदर टेरेसा, द मोस्ट पॉपुलर, यू कैन से दैट मोस्ट पॉपुलर रोमन कैथोलिक मिशनरी इन इंडिया. नोन फॉर आवर सेल्फलेस सर्विस टू द डाउन ट्रोडन. शी वॉज बॉर्न कोसोवो का क्वेश्चन आया हुआ है. मदर टेरेसा का बर्थ प्लेस कौन सा है. शी वॉज गिवन नोबल प्राइज 1979 में, भारत रत्न हमने उसके बाद दिया. हमने पहले नहीं दिया भारत रत्न, पहले देखा कि भाई मदर नोबल ट्राई प्राइज मिला, फिर हमने इनको रिकग्नाइज किया. एंड शी वॉज अ इंडियन सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन. ओके, तो आपने पढ़ा होगा इंडियन सिटीजन कैसे एक्वायर करते हैं. तो वन इज अनदर वन प्रोसेस जो है दैट इज द सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन. सो मदर टेरेसा, शी वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन. ओके, देन राज बेगम. अगेन राज बेगम जो है शी इज अ लीजेंडरी सिंगर हु वाज नोन फॉर मिरेकुलस वॉइस. राज बेगम वेरी पॉपुलर. शी ओवरकम मैनी सोशल स्टिग्मा एंड टैबूस टू बिकम द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट टू परफॉर्म ऑन दूरदर्शन. ओके, ये पहली फीमेल आर्टिस्ट थी जिसने दूरदर्शन पे परफॉर्म किया. एंड शी वॉज फ्रॉम कश्मीर. ओके, दूरदर्शन कश्मीर पे द मोस्ट प्रोमिनेंट सिंगर फ्रॉम कश्मीर. इसके अलावा कौन कौन सी है, मलिका पुखराज. मलिका पुखराज जो है बेसिकली 1947 में शी वेंट टू पाकिस्तान. शी वॉज सो, हर वॉइस वॉज सो, यू कैन से दैट मेलोडियस, कि जब हरी सिंह की जब कॉरोनेशन हुई उसको बुलाया गया. एंड शी वॉज जस्ट एट दैट टाइम शी वॉज जस्ट 9 ईयर ओल्ड. ओके, सो हरी सिंह की कॉरोनेशन में जो है इन्होंने गाया. लेटर ऑन शी बिकम द दरबार सिंगर ऑफ हरी सिंह. हरी सिंह के दरबार में जो है शी बिकम, यू कैन से दैट रॉयल सिंगर बन गई जो. ओके, देन वीबा सराफ, अगेन अ वेरी वेरी पॉपुलर सिंगर. प्रेजेंट डे में जो है कुछ एक मूवी आई थी बड़ी देर पहले, दैट वॉज गली बॉय. ओके, देखी होगी आपने गली बॉय. तो गली बॉय में जो है कुछ सॉन्ग्स जो है वो बेबा सराफ ने भी गाए. शी वॉज वेरी यंग, शी इज वेरी यंग. ओके, शी इज वेरी यंग सिंगर. ओके, देन शमीम देव आजाद. शमीम देव आजाद अनदर प्रोमिनेंट लेडी, अनदर प्रोमिनेंट सिंगर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. शी इज द वाइफ ऑफ गुलाम नबी आजाद और इनको पद्मश्री मिला हुआ है 2005 में, शमीमा देवी आजाद. ओके, राज बेगम.
Then Rupa Bhavani, another prominent saint and poet of 17th century, Rupa Bhavani, also known as Mata Rupa Bhavani. She was known for her poetry and spiritual philosophies. Bahut zyada influence kiya. She was revered by Kashmiri Hindus who celebrated her death anniversary at Sahib Saptami. Okay, then Dr. Girija Dhar, a legend in medical profession and administration. She was the first chairman of J&K Women Commission in 2000. Okay, so Girija Dhar, another prominent lady from Jammu and Kashmir. Hanifa Chapoor, so she was the first woman from Kashmir to gain Munshi Fasl degree in Persian. Okay, she was known for her strong work ethic and fight against corruption in education sector. Okay, very, very popular. Then that is Gyani Mohan Kaur. She was from Baramulla. She retired as a 1976 headmistress. Okay, she was known for her selfless dedication to the upliftment and education of women, particularly during partition. Okay, ज्ञानी मोहन कौर. ओके, और इन्होंने एक ऑनलाइन स्टार्ट भी किया था, दैट इज मर्केंटाइज, दैट इज कोशूर. देन पद्मा सचदेव, शी वॉज द शी इज द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज. ओके, शी वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971. शी ऑल्सो रिसीव पद्मश्री, इंडिया फोर्थ हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड. शी इज फ्रॉम जम्मू, पद्मा सचदेव. ओके, कभी कभी अभी भी प्रोग्राम इनका आता है कई बार दूरदर्शन पे. ओके, और रेडियो पे भी आता है, सुना करो. देन बेगम अकबर जहान अब्दुल्ला, शी वॉज द वाइफ ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. शी सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्वाइस. ओके, एमपी, पहली वुमेन एमपी जो है वो जम्मू कश्मीर से कौन थी? बेगम अकबर जहान बेगम. ओके, फारूक अब्दुल्ला की मदर और उमर अब्दुल्ला की दादी जी. शी वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर रेड क्रॉस सोसाइटी फ्रॉम 1947 टू 51. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लीजेंडरी वुमेन्स ऑफ कश्मीर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कल्चर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर का जो कल्चर पार्ट है, जम्मू कश्मीर की जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, वुमेन पर्सनैलिटीज हैं, उस पर भी आ सकता है. इसके अलावा जो प्रेजेंट डे में जो है प्रोमिनेंट जो है, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर में वाइस चांसलर्स कितनी वुमेन्स रही हुई हैं या अभी हैं, प्रोमिनेंट वुमेन स्कॉलर्स कौन सी हैं, प्रोमिनेंट वुमेन जो हैं स्पोर्ट्स में कौन कौन सी हैं, एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन सी हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योर कौन कौन सी हैं, देन यू कैन से दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कौन कौन सी हैं. ओके, सो ये आप प्रेजेंट में कवर कर सकते हो, इसलिए ये मैंने कवर नहीं किया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हिस्ट्री फॉक्स चैनल. दिस इज मी कश्यप शर्मा. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एटलीस्ट विद 100 परसेंट. टेक इट एज अ प्लेच. ओके, टेक इट एज अ प्लेच. थैंक यू सो मच. जय हिंद, टेक केयर.